जय बोलो देवादिदेव एकादशी श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामनामणि राज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज विराट सागर जी महाराज की। सत्य सत्य सत्वर कूट जी की। अरे हमारे पास आंखें हैं, दृष्टि है, हम चीजों को देखते हैं, चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन चीजें जैसी हमें दिखाई पड़ती है वैसी ही हो ऐसी बात नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई पड़ती है पर होती नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती पर वो है। हम दूर क्षितिज की तरफ निहारते हैं तो हमें दिखता है कि धरती और आसमान मिलकर एक हो गए हैं। दो पाँच दस मील चलेंगे तो हम उस क्षितिज को छू लेंगे लगता है, लेकिन दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक हो। दिख रहे हैं पर है नहीं। दूसरी तरफ जब हम अपने पूर्वजों की तरफ दृष्टि देखते हैं डालते हैं तो हमें दिखाई नहीं पड़ते। अपनी भावी पीढ़ी की तरफ हम दृष्टि डालते हैं तो हमें दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई भले ही नहीं पड़ रहे पर वो है, क्योंकि यदि हमारे पुरखे नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। तो जीवन में ये बात बहुत गहराई से समझने की है कि जो हमें दिख रहा है वो ही सच हो ये जरूरी नहीं, और जो हमें दृष्टिगोचर ना हो वो ना हो ये भी जरूरी नहीं। यही मनुष्य के मन में एक भ्रम उत्पन्न होता है, वो चीजों को वही और वैसी ही मान लेता है जैसी उसे दिखती है और जितनी उसे दिखती है। संत कहते हैं कि ये बात सच है कि जो दिखती है वही चीजें ज्यादातर सही होती है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ती पर वो है कुछ और, या जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। इस भेद को जो पहचानता है वही सच्चे अर्थों में परमार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। आज बात मैं आपको उसी की कर रहा हूं। वह व्यक्ति जो चीजों को वैसी देखे जैसी वो है, वैसी नहीं जैसी वो दिखे। जो वस्तु जैसी है वैसी देखो, जैसी दिख रही है वैसी देखने की चेष्टा मत करो। महाराज आज कौन सी पहेली लेकर के बैठे आप? पानी में लकड़ी का टुकड़ा डालो, तिरछी दिखती है वो लकड़ी? तिरछी दिखती है? तिरछी दिखती है या तिरछी होती है? हाँ, होती तो नहीं ना। तो तुम उस लकड़ी को तिरछी देखते हुए क्या मानते हो, लकड़ी तिरछी दिख रही है या तिरछी है? बस यही समझ जीवन में होनी चाहिए। पानी में पड़े लकड़ी के टुकड़े को तिरछी देखने के बाद भी तुम ये बात पक्के तौर पर अपने हृदय में रखते हो कि लकड़ी तिरछी दिख रही है तिरछी है नहीं, वैसे ही शरीर में आत्मा को देखते हुए ये देखो कि आत्मा शरीर में दिख रही है शरीर है नहीं। इसी दृष्टि की उपलब्धि का नाम सम्यक दृष्टि है। दो तरह के लोग इस दुनिया में जीते हैं, एक वे लोग जो केवल शरीर के तल पर जीते हैं, उनकी दृष्टि देह दृष्टि होती, और दूसरे वे लोग जो चेतना के स्तर पर जीते हैं वो देह में छिपे देही की पहचान करते हैं। तुम कहाँ हो
अध्यात्म के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान का मतलब जड़ और चेतन की भिन्नता का बोध, आत्मा और अनात्मा की पहचान, निज और पर का ज्ञान, स्व और पर का विवेक, ये यदि तुम्हारे भीतर घटित हो गया तब तुम्हारे जीवन की नैया पार होगी। जिसके अंतरंग में ऐसा विवेक जगता है वही सम्यक दृष्टि कहलाता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। और आज मैं बात उसकी करने जा रहा हूँ। विगत दिनों लगातार हमने सात तत्व और पुण्य पाप के साथ नौ पदार्थों की चर्चा आप सबके मध्य की। आज से इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ और बात सम्यक दर्शन की कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन का मतलब है सही दृष्टि। क्या? सही दृष्टि। दृष्टि होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सही दृष्टि की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। चार बातें आप सबसे करूंगा, भ्रम, मर्म, कर्म, धर्म। क्या? भ्रम, मर्म, कर्म, धर्म। सबसे पहली बात है भ्रम का। भ्रम निवारण होना चाहिए, भ्रांति टूटनी चाहिए। अपने मन को पूछो, तुम्हारे मन में कोई भ्रम है या नहीं? सम्यक दृष्टि के जीवन में कोई भ्रम नहीं होता, क्योंकि वह जीवन के मर्म को जानता है। तुम देखो तुम्हारे मन में कोई भ्रांत धारणा है या नहीं, कहीं तुम भ्रांति में तो नहीं जी रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई भ्रम तो नहीं है। बोलो, भ्रम में जी रहे हो या यथार्थ में? हाँ, बड़ी आसानी से मान लिए, तो उसी में जीने की कसम खाए हो कि तोड़ना है? हाँ, तोड़ना है। चलिए, कौन सा भ्रम है ये पता है? सबसे बड़ी मुश्किल ये होती कि जो भ्रम में जीता है ना, उसे ये पता नहीं होता कि मैं भ्रम में जी रहा हूं। जिस दिन उसे पता लग जाता है कि ये भ्रम है, तो उसी क्षण उसका जीवन बदल जाता है, भ्रम टूट जाता है। लेकिन जो भ्रम में जी रहे हैं और भ्रम को ही यथार्थ मान रहे हैं, वे अपनी भ्रांति से कभी मुक्त नहीं होंगे। चार प्रकार का भ्रम मनुष्य के मन में है। सबसे पहला भ्रम, शरीर में आत्मा मानना, शरीर को आत्मा, देह आत्म विभ्रांत होना। ये मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है और ज्यादातर मनुष्य इसी देह दृष्टि से युक्त होते हैं, शरीर में आत्मा की भ्रांति करके जीते हैं। शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मान करके चलते हैं। तुम्हें इसका परिज्ञान है? क्या मानते हो अपने आप को, शरीर रूप या आत्मा रूप? महाराज, जब आप लोगों के पास रहते हैं, प्रवचनों में बैठते हैं, तो आत्मा मानने लगते हैं, और बाहर आते हैं तो आत्मा का खात्मा हो जाता है, बस शरीर ही शरीर, शरीर ही शरीर दिखता है। संत कहते मानने का सवाल नहीं है, जानने का सवाल है। अंदर से जानो, मैं देह नहीं चेतन हूं, शरीर में हूं अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूं। ये धारणा हमारी पुष्ट होनी चाहिए, ये भ्रम टूट जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा? मैं 24 घंटे जो शरीर के पीछे पागल होता हूं, उसमें न लगकर अपनी आत्मा को संवारने की कोशिश करूंगा। आज तुम 24 घंटे अपने शरीर को संवारने की कोशिश में लगे रहते हो कि नहीं? कभी आत्मा का ख्याल आता है कि मुझे मेरी आत्मा को भी संवारना है? शरीर तो तुम्हारा एक दिन छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं? और अंतिम परिणति क्या होगी? इस शरीर की अंतिम परिणति क्या होगी? चिता की राख, और क्या, एक दिन खाक में बदल जाओगे।
एक दिन खाक में बदल जाओगे। सबका खाक, खाकम खाक होना है। फिर जो शरीर एक दिन खाक में मिल जाने वाला है, उस शरीर की तो तुम इतनी चिंता करते हो, शरीरधारी के बारे में कभी कुछ सोचा? जिसके मन में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है, जो शरीर और आत्मा के भेद को पहचाने लेता है, वो शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा की चिंता करता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि तुम शरीर का ख्याल मत रखो, शरीर का ख्याल रखो, लेकिन शरीर से ज्यादा शरीरी का ख्याल रखो। किसका ख्याल रखो? शरीर से ज्यादा शरीरी का ख्याल रखो। शरीर का महत्व है, केला खाना हो और उसका छिलका ना हो तो केला खराब हो जाएगा, है ना? पर खाते क्या हो, छिलके को कि केले को? हाँ, क्या करते हो? छिलके को क्या किया जाता, खा लेने के बाद फेंक दिया जाता। ये ऊपर का छिलका है, वो भोग है, भीतर का गूदा है। हाँ, उसकी सुरक्षा के लिए प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है। सांसारिक क्रियाएं बिना शरीर के नहीं चलती, यहां तक कि साधना और तपस्या भी शरीर के माध्यम से ही होगी, लेकिन शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। इसका विवेक और भान होना चाहिए। तन पाया है तो तप करो, भोगों में मत लगाओ, उसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। जिसके मन में ये भ्रांति होती है, वो 24 घंटे शरीर में ही रमे रहते हैं, और जिसकी भ्रांति टूट जाती है, वे एक पल में अपने जीवन की दिशा बदल डालते हैं। भ्रांति तोड़िए, तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतंत बिछड़े, ज्यों पै अरुपानी। तुम चेतन हो, यह देह अचेतन है, यह जड़ है, तुम ज्ञानी हो। तुम्हारा और इस शरीर का गठबंधन अनादि से है, लेकिन थोड़े से पुरुषार्थ से ये दोनों पृथक पृथक हो सकते हैं। जैसे दूध और पानी मिलकर एक मेक हो जाते हैं, पर थोड़े से प्रयोग विशेष से दोनों को पृथक पृथक किया जा सकता है। वैसे ही यदि तुमने अपने भीतर विवेक बुद्धि जागृत कर ली, तो शरीर और आत्मा के इस गठबंधन को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकते हो और अपने जीवन की शाश्वत तत्व की उपलब्धि कर सकते हो। ते भ्रम दूर होना चाहिए। मैं शरीर में हूँ अवश्य, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस बात का बोध अंदर होना चाहिए। अगर ये बोध जग गया, तो तुम्हारी केंद्र में तुम्हारा शरीर न होकर तुम्हारी आत्मा आ जाएगी, और जो आत्मा को केंद्र में रख करके चलते हैं, उनका जीवन कभी दुखी नहीं होता। तो पहला भ्रम, शरीर में आत्मा की बुद्धि। दूसरा भ्रम, संयोगों को नश्वर को शाश्वत मानना, पर को अपना मानना। दूसरा भंग, पर को अपना मानना। किसको अपना मानते? मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरी कार, मेरा बंगला, यही कहते हैं ना? क्या क्या है मेरा, बोलो। झूठा है, सच में झूठा है, तो फिर कोई जाके ले तो। पर संयोग को अपना मानना एक भ्रम है, लेकिन मनुष्य इस तरह के व्यामोह में फंसा है
कि उन्हें ही अपना मान रहा है, ये अज्ञान है। इस भ्रांति का निवारण होना चाहिए। बोलो क्या है तुम्हारा? हाँ, कुछ भी? पक्के में? अभी मेरे सामने बोल रहे हो कि हर पल मानते हो? देखो, जिसको भेद विज्ञान होता है उसकी दृष्टि क्या होती है। मैं कोलकाता में था तो वहाँ सुमेर मलजी चूड़ीवाल की एक बहुत बड़ी कोठी थी, वहाँ रुकना हुआ था। 2006 की बात। उनके पिताजी मदन लाल जी चूड़ीवाल बड़े विरक्त पुरुष थे। मदन लाल जी एक दिन आए तो लोगों ने कहा, महाराज ये कोठी इन्हीं की है। काफ़ी लंबा रोलैंड रोड में 23 कट्ठे का प्लाट था, बहुत बड़ी, करीब 18-20 हज़ार स्क्वायर फुट की जगह थी, वहाँ हमारा रुकना हुआ था। बोले, महाराज ये कोठी इन्हीं की है। उन्होंने जो बात कही सुन के मज़ा आ गया। अरबपति व्यक्ति लेकिन एकदम विरक्ति के साथ जीने वाले। उन्होंने कहा, मेरा क्या है महाराज, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, ये किसका है? ये तो ईटगालों का है, पुद्गल का है, किसको मेरा कहते हैं? किसको मेरा कहते हैं? ठीक है, मेरे अधीन है, मेरे हाथ में उसका प्रबंध है, मेरे पास है, ये सच हो सकता है, पर मेरी है ये सच नहीं है। मेरे पास है ये सत्य हो सकता है, सत्यांश हो सकता है, पर मेरी है ये सच नहीं है। तुम क्या मानते हो, मेरे पास है या मेरी है? थोड़ा भी पाते हो तो उसे अपनी निजी उपलब्धि मान करके चलते हो, और फिर उसके बाद क्या होता है, उस उपलब्धि का अभिमान कर बैठते हो, उसमें आसक्त हो उठते हो, और तुम्हारा ये अभिमान और आसक्ति तुम्हें जिंदगी भर रुलाता है, दुखी बनाता है, बनाता है। जबकि ये सच्चाई है, तुम्हारे पास है, तुम्हारा नहीं है, तुम कस्टोडियन हो, उसके मालिक नहीं, ओनर नहीं हो, पर ओनर मान रखे हो। ठीक है, अपनी मालिकियत थोपो। जब तक संयोग अनुकूल बने रहते हैं तुम्हारे पास रहती है चीज़ें, और संयोग बदलते हैं चीज़ें कहाँ खिसक जाती है इसका कोई पता ही नहीं। संयोगों के बदलते ही चीज़ें कहाँ खिसक जाती है इसका कोई पता नहीं होता है। तो कौन सी चीज़ कहाँ खिसक जाए, कब किसके साथ क्या घटित हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए संत कहते हैं, इस भ्रम से बाहर आओ, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है? एगो में शास दो आदा, नाण दंशन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्वे संजोग लखना। मेरा एकमात्र शाश्वत आत्मा है जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। मुझसे पृथक संसार के जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे संयोग स्वभाव वाले, संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे पास हैं, मेरे नहीं है। ये धारणा प्रगाढ़ बन जाए तो जीवन का मजा होगा कि नहीं होगा? फिर पाने में ज्यादा गुमान नहीं होगा और खोने में खम नहीं होगा। अभी तो पल में हर्ष, पल में विषाद, पल में खुशी, पल में गम, पल में आनंद, पल में अवसाद, जीवन में कब क्या होता रहे, तुम्हारी बत्ती जलती है और पल में बुझ जाती है। ये मेरे पास है, मेरे नहीं है। कर्म के योग से, अनुकूल संयोगों से मेरे लिए उपलब्ध हुए हैं, मेरे नहीं हैं। पक्की धारणा आज से बनाओगे? बोलो अंतरंग में, ये शरीर मेरा नहीं, ये संपत्ति मेरी नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, ये जो कुछ भी है स्वत्व स्वामित्व मेरा कुछ भी नहीं, एक परमाणु भी मेरा नहीं है।
नवियाथि मध्य किंचिवी अन्नम परमानु मित्तम पी अह मिको खल शुद्धो दंसन नान मई यो सदा रूबी। नवियाथि मध्य किंचिवी अन्नम परमानु मित्तम पी मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, अरूपी हूँ, अमूर्त हूँ, मुझसे भिन्न एक परमाणु बराबर पदार्थ भी मेरा नहीं है। यह धारणा अगर पक्की बना लोगे तो जीवन में कभी उथल पुथल नहीं होगी, जीवन में उथल पुथल नहीं होगी। देखिए ऐसी दृष्टि संपन्न लोगों की दिशा क्या होती है। दो भाई थे, अच्छा लंबा चौड़ा कारोबार था। बड़ा भाई स्वाध्यायी था, धार्मिक था, विरक्त था। दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत अच्छा था। छोटा भाई तिकड़मी था, कारोबार को बहुत बढ़ाया, काफ़ी पैसा भी इकट्ठा हुआ। लेकिन कई बार लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है, छोटे भाई की बुद्धि पलट गई और उसने पूरे के पूरी संपत्ति को लगभग डकार सा लिया और बड़े भाई को एक प्रकार से अंगूठा दिखा दिया। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन बड़े भाई ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक है। सुनो, एक व्यक्ति के भीतर ज्ञान होता है तो कैसे समाधान निकलता है। जब ऐसा हुआ तो बड़े भाई ने एक ही बात कही, भैया मेरा है क्या जो गया, जो गया सो मेरा नहीं और मेरा है सो जाएगा नहीं। ठीक है, संयोगों से वो मेरे पास थे, आज भाई को रखना है, संयोगों को यही इष्ट है तो मैं उसे देता हूँ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे जीवन के निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना तो है ही, और नहीं भी हो तो कर्म जैसा संयोग चाहेगा वैसा मैं कर लूँगा। राजा रंक होता है, रंक राजा बनता है, यही संसार का खेल है। यदि कर्म को यही खेल खिलाना है तो मैं उसके लिए राजी हूँ। उसे एक लफ्ज नहीं कहा, छोटे भाई को जो चाहिए ले लिया, दे दे जा, मेरा कहाँ है। देखिए चार स्थितियां हैं। एक वो है मेरा मेरा तेरा भी मेरा, दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं। मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। दूसरे लेवल के लोग हैं मेरा मेरा तेरा तेरा। तीसरा स्तर है मेरा मेरा तेरा तेरा, ना मानो तो ले मेरा भी तेरा। ऐसे लोग त्याग करते हैं, बहुत है, चल भैया ठीक है मेरा भी तेरा। लेकिन चौथी स्टेज बहुत हाइट की है, न मेरा न तेरा जग चुनिया रैन बसेरा। न मेरा न तेरा, किसका मेरा मेरा, ये तो चिड़िया रैन बसेरा, सुबह शाम का डेरा है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, ये समझ अपने भीतर विकसित करनी चाहिए ताकि अपने आप को आकुलता व्याकुलता से बचाया जा सके, जीवन को सही दिशा दी जा सके और अपना रास्ता प्रशस्त किया जा सके। ये भ्रम है, भ्रम तोड़ो। मैं ये नहीं कहता कल से तुम ये भी कहने लगो ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। कहने से फर्क नहीं पड़ता, भीतर की प्रतीति में होनी चाहिए। और उसकी पहचान क्या है, देखो तुम्हारे पड़ोसी के घर चोरी हो तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या, क्यों नहीं पड़ता। मेरा नहीं है, मेरा क्या गया, यही है ना। तुम उसको मानते हो, उसे पर मानते हो, पड़ोसी के यहां कुछ हुआ उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पर है। इसी प्रकार जिस दिन तुम्हारे पास कुछ चीजें इधर से उधर होगी और तुम्हारा मन स्थिर होगा
तो समझना तुम्हारा भ्रम टूटा है, वो पर है, मैं क्यों दुखी हूं। प्रबंध करने का निषेध नहीं, चिपकने का निषेध है। चिपको मत, आसक्त मत हो, जीवन आगे बढ़ेगा। तो शरीर में आत्मा मानना भ्रम, पर संयोगों को अपना मानना भ्रम। महाराज ठीक है, पर संयोगों को अपना नहीं मानते, अपने नहीं पराए, लेकिन जब तक है तब तक तो है। कहते कब तक है? नश्वर को शाश्वत मानना भ्रम। क्या? नश्वर को शाश्वत मानना भ्रम। चलो मेरे पास है, जितने दिन है उतने दिन तो उपयोग कर ले, अभी तो है, मजे तो ले लूं। भैया तुम्हारा मजा कब सजा में परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता, कोई ठिकाना नहीं है कब तक रहे। है ठिकाना? बोलो। पल का भरोसा, सब नश्वर है। जीवन यौवन और धन सब पानी के बुलबुले के समान है, सब पानी के बुलबुले के समान है। पानी का बुलबुला क्या होता है? बुलबुला कब बनता है? जब पानी के भीतर हवा घुस जाती है। तो पानी की सतह के भीतर जब हवा प्रविष्ट हो जाती है तो बुलबुला बन जाता है। वो बुलबुला कितनी देर तक? जितनी देर तक हवा है। हवा निकली, सब हवा है ना। भैया ये सब बुलबुला है, जब बुलबुला कर बुला बुला के कह रहा फूलो मत, हवा में मत उड़ो, अभी थोड़ी देर में हवा निकलेगी, तुम्हारी हवा खिसक जाएगी, सब हवा हो जाएगा। यहां सावधानी रखो, इन्हें नश्वर समझो, तो जीवन में कभी कोई आसक्ति नहीं होगी। कटनी के एक सज्जन थे सवाई सिंह जय कुमार जी, उन्होंने एक दिन मुझे एक बड़ी अलग घटना सुनाई। उन्होंने कहा महाराज मेरे एक व्यापारी मित्र थे मेरठ के, मैं उनके घर गया, बड़ी आलीशान कोठी थी, उस कोठी के मुख्य द्वार पर लिखा था आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा क्योंकि प्रायः घर के दरवाजे पर कोई इस तरह का बैराग सूचक वाक्य तो नहीं लिखता, स्वागतम अतिथि देवो भव सुस्वागतम वेलकम ये लिखते हैं, मंगल बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां लिखा आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। सिंह जी ने कहा, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्यों लिख रखा है तुमने अपने दरवाजे पर? बोले इसका बड़ा रहस्य है। बोले क्या हो? बोले मेरे पिताजी ने इस हवेली को बनाया 1978-80 के आसपास, वो हवेली बनी और बोला उस जमाने में 30 लाख रुपया लगा करके हवेली बनाई थी। बोले मेरे पिताजी ने बड़े जतन से इस हवेली को बनाया, खुद छत्ता लेकर के खड़े होते थे, एक एक चीज बड़े सलीके से लगाया, इटालियन मार्बल लगाया था और उमंगों से भरकर उन्होंने गृह प्रवेश किया। लेकिन क्या बताऊं, जिस दिन गृह प्रवेश हुआ एक पैर देरी के भीतर और दूसरा पैर बाहर, वहीं उनको हार्ट फेल हुआ, ऑन स्पॉट चले गए, अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इतने उमंगों से घर बनाया, घर में प्रवेश नहीं कर पाए। लोगों ने बोला तुम्हारे लिए मकान अशुभ है, इसे छोड़ दो। पिताजी चले गए, पर वो आदमी बिल्कुल अध्यात्म रसिक था, बोला मैंने कहा नहीं, मेरे लिए मकान शुभ है, क्योंकि जीवन की वास्तविकता का मुझे बोध करा दिया, इसलिए मैं लिखता हूं आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। यह है एक बोध जीवन का। भ्रम टूटना चाहिए तुम्हारा भी। कितनों को तुम शमशान पहुंचाए,
अपने कंधों पर बिठाकर अपनी आंखों से कितने मुर्दों को देख लिया, फिर भी अंधे क्यों बने हो? किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है, दो दिन की जिंदगी है, पल का ये खबर, पल का ये सफर है, पल भर का ये सफर है, बस दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, ये सफर कब पूरा हो जाए कोई पता नहीं। कांधे पे तूने अपने कितने बिठाए मुर्दे, आंखों ने तेरी तुझको कितनी दिखाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा जबकि तेरी नजर है, दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ये मनुष्य को पहचानने की जरूरत है, दो दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, इसे समझो। नश्वर को शाश्वत मानना भूल जाओ तो क्या करो, है उनमें अभिमान मत करो, आसक्त मत हो, उनका उपयोग करो, उपभोग करो, अनासक्त भाव से उपयोग उपभोग और उपयोग करो, है जितना उतना अच्छा कर लूं, बुरे से अपने आप को यथासंभव बचा लूं। जिसका भ्रम टूटता है वो यही करता है, और जो भ्रम में जीते हैं वो उसे ही सहेजते रहते हैं सारी जिंदगी, माया जोड़ने में बिता देते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाते। तो पहली बात, शरीर को आत्मा मानने का भ्रम, दूसरी बात पर संयोगों में आत्मबुद्धि रखने का भ्रम, तीसरी बात नश्वर को शाश्वत मानने का भ्रम, और चौथी बात सपना को अपना मानने का भ्रम। क्या है? सपना। सपना को तुम अपना मान रहे हो, सच मान रहे हो। जब तुम सपने में होते हो, सपना को सपना मानते हो, तो कभी सुख दुख होता है क्या? होता है? नहीं होता है ना। जब तक नींद में है तब तक हम सपने से तादात्म्य जोड़ते हैं, और जो हमें सपना में दिखता है वैसा हम महसूस करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है और हमें ये लगता रहे ये तो सपना था, तो सपने में चाहे कितनी खुशी की बात हो चाहे कितना ही गम की बात, उस खुशी से हम खुश नहीं होते, उस गम से हम गम नहीं दुखी नहीं होते। क्यों? अरे ये तो सपना था, अरे ये तो सपना था, है ना भाई? रात के सपने को तो तुम सपना मानते हो, ये जो दिख रहा है ये भी तो एक सपना है। सपना किसको बोलते हैं? सपना किसको बोलते हैं? जिसका वजूद ना हो वो सपना है। तुम्हारी मन की जो भी कल्पना है वो सब सपना है। इस दुनिया में जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सब सपना है, वो अवास्तविक है। और अवास्तविक को वास्तविक मान लेना भ्रम ही तो है। तो तुम सपने को सपना मानो, सत्य नहीं। लेकिन इसका बोध तब होगा जब आंखें खुलेगी, नींद टूटेगी। गहन निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा में सोने वाले लोग सपना को सपना मानने के लिए राजी नहीं होते, उन्हें तो उसी में सब अच्छा लगता है। चल रहा है सपना, चल रहा है, चल रहा है, चलने दो, चलने दो, ये सब सपना है, इसे सत्य मानने का भ्रम तोड़िए और जीवन को सही रास्ते पर जोड़िए तो जीवन धन्य होगा। कहते राजा भोज सो रहा था, कवि भी था, उसके मन में आया कि मैं अपनी सारी संपत्ति को एक छंद में निबद्ध कर दूं। उसने पहला चरण लिखा, चेतो हरा युवत यह श्रीदो अनुकूला, मेरे चित्त को हरने वाली रानियां हैं, मेरे मित्र लोग बड़े अनुकूल हैं। सदबांध वह प्रणय गर्भ गिराश्च भृत्या, मेरे बंधु बांधव बड़े अच्छे हैं, मेरे नौकर चाकर भी बहुत अनुकूल हैं, सब मेरे साथ प्रेम रस से परिपूर्ण होते हैं। तीसरे चरण में लिखा, वलगंति दंति निवाह तरलाह तरंगा, मेरे यहाँ अनेक हाथी हिनहिनाते हैं
और घोड़े आपने जाकर के हींचते हैं, हाथी घोड़ों की भरमार है। तीन चरण पूरा हो गया, पर चौथा चरण पूरा हो तो श्लोक पूरा हो और कविता पूरी हो। अब वो चौथे चरण में क्या लिखूं, इसी उधेड़बुन में थे। बार बार दोहरा रहे थे कि चेतो हरा युवती है सुहृदो अनुकूला, सदबांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च वृत्या, वलगंति दंति निभाह तरलास्त रंगा। अब क्या बोले, संयोगतः राजा भोज के घर एक चोर घुसा हुआ था और चोर उसकी पलंग के नीचे छिपा हुआ था। अब सवाल मत करना कि राजा के पलंग के नीचे चोर कैसे चला गया, गया हो या नहीं गया हो, मेरी कहानी में तो गया। वो चोर नीचे घुसा, वो सोच रहा है राजा सोए तो मैं अपना काम करूं, पर राजा सोए कैसे जब तक कविता पूरी न हो, कवि को नींद कैसे आए। वो बार बार दोहराया जा रहा है, चेतो हरा युवती है सुहृदो अनुकूला, सद बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च वृत्या, वलगंति दंति निभास तरलास तरंगा। तो नीचे से आवाज आई, सम्मीलने नयन यो नहीं किंचित अस्ति, आंखें मुंद जाने के बाद कुछ भी नहीं है। ये शब्द सुना राजा भोज हड़बड़ा कर उठ बैठा, बोले ये कौन है, किसने आवाज दिया, इतने बोधप्रद बात किसने कही। नीचे से चोर ने कहा, अगर अभय हो तो मैं प्रकट हूं। हां तुम्हें अभय, बोलो कौन हो। प्रकट हुआ, बोला मैं हूं। बोले तुमने बात तो बड़े पते की, पर यहां आए क्यों थे, तुम हो कौन, अपना परिचय दो। बोले मैं चोर था, मैं चोर हूं, चोरी करने आया, आपकी देख रहा था, आप बड़े देर से उधेड़बुन में थे, अपनी संपत्ति को गिन रहे थे, पर मैंने कहा आंखें मुंद जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा। राजा ने कहा तुम चोर नहीं, मेरे लिए गुरु बन गए, तुमने मुझे जीवन की सही दृष्टि दे दी कि वाकई में जिनके पीछे मैं पागल हूँ, अभिमान कर रहा हूँ, आशक्त हो रहा हूँ, वो तो कब तक है, आंखें मुंद जाने के बाद सब गड़बड़। जब आंख खुली सपना गया, जब आंख खुला खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख मुंदी अपना गया। और नश्वर है संसार, आंख चढ़ी दफना गया, आंखें चढ़ेगी दफना दिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इस भ्रम को जो तोड़ते हैं वे ही सम्यक दृष्टि होते हैं, और भ्रम तभी टूटेगा जब मर्म को जानोगे, ये जीवन के यथार्थ को पहचानोगे। मर्म को जानो, सत्य को जानो, अपने आत्मा के अस्तित्व को जानो, जड़ संयोगों को जड़ मानो, नश्वर मानो, कर्माधीन मानो, क्षणिक मानो। अगर इतनी बात मान करके चलते हो तो तुम फिर कभी भ्रम में उलझ नहीं सकते। और जो मर्मदृष्टा होते हैं, आत्मदृष्टा होते हैं, उनका कर्म परिवर्तित हो जाता है, उनकी करनी बदल जाती है, वो जो कुछ भी करते हैं एक कर्म योगी की भांति करते हैं, वे एक कर्म योगी की भांति करते हैं, उनके अंदर एक ही भावना होती है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा खलेषु कदाचन, बस वो अनासक्त योगी की तरह जीते हैं, अलिप्ततापूर्ण जीवन जीते हैं, करते हुए भी नहीं करने की तरह जीते हैं, जल से भिन्न कमल की तरह उनका जीवन होता है। यही कर्म अगर जीवन में आ जाए तो उसका नाम धर्म है और वही सम्यक दर्शन है। ऐसा धर्म हमारे अंदर आए, ये भाव हमारे भीतर विकसित हो, और उस धर्म को जो धारण करता है उसका जीवन कैसा होता है, उसकी चर्चा कल से मैं आप सबसे करूँगा। सम्यक दृष्टि के जीवन में कुछ विशेषताएं प्रकट होती है, विलक्षणताएं घटित होती है, जो उसके जीवन को सामान्य मनुष्य से बिल्कुल अलग बना देती है। अनेक प्रकार के वैशिष्ट उसके जीवन में घटित होते हैं, जिसे सम्यक दर्शन के अंगों के रूप में जाना जाता है। वो है निशंकित अंग, निष्कांक्षित अंग, निर्विचिकित्सांग, अमूर दृष्टित्व अंग, उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल अंग और प्रभावना अंग के रूप में ये हमारे जीवन में किस भांति उतरे, और हम अपने जीवन को अध्यात्म से सराबोर करके कैसे प्रगति के सोपानों पर चढ़े, इसकी चर्चा आने वाले कल से लंबे समय तक चलेगी। लगभग 12-14 दिन की ये श्रृंखला नियमित चलेगी।
हम इसे क्रम से इस बात को लेंगे और कोशिश करेंगे जीवन में उस आध्यात्मिक ज्योति को उद्घाटित करने की, जिससे हम अपने जीवन की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। बंधुओं, आने वाले 31, 1 और 2 को जो भावना योग का कार्यक्रम यहाँ रखा गया, मुझे जानकारी दी गई, बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया गया है। आज शाम को उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा होने के बाद उस कार्यक्रम की रूपरेखा बना दी जाएगी। लेकिन ये एक अच्छा सुयोग है, जो भी इसमें लाभान्वित होना चाह रहे हैं वे लाभान्वित हो और अपने जीवन में एक स्थायी परिवर्तन की कोशिश करें। हम लोगों को एक प्रयास सब करना है। हमने धर्म की सैद्धांतिक विवेचनाएं बहुत की है, पर उसे व्यवहारिक रूप में उतारने का प्रयास कम किया। हमने जितना पूजा पाठ को महत्व दिया, यदि उसके साथ साथ जीवन के रूपांतरण के प्रयोग के लिए अगर हम कुछ करते तो बहुत कुछ अलग परिणाम आता। ये भावना योग एक अभिनव प्रयोग है जो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा, इसलिए हम इस योग का पूरा लाभ लें। ये योग कैसा है, आप लोगों ने टीवी पर भी बहुत सारे लोगों ने समय समय पर देखा है, सोमवार को प्रायः वही दिखाया जाता है, और लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष आकर के जो लाभान्वित होंगे वे जरूर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकेंगे। और मैं आज फिर बोल रहा हूँ, जो लोग इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं वे लोग प्राथमिकता के स्तर पर इससे जुड़े, इसी स्वभाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। जय जय।